आनंद मोहन जी की रिहाई होनी चाहिए। तो आज क्या है कि इतने दिन हो गए हैं, हाँ, और अभी तक रिहाई के ऊपर सरकार चुप है, मौन रखी हुई है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोन। आनंद मोहन की सजा जो है वो पूरी हो चुकी है, लेकिन अब तक रिहाई नहीं हो सकी। हमारे साथ बात करने के लिए उनके बेटे आरजेडी के विधायक चेतन आनंद जी हैं। अब तक आपके पिता की रिहाई नहीं हो सकी है, क्या कहेंगे, मतलब कि क्या उम्मीद लग रही है कि अब हो जाएगा, या कि अब तक क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, इसका जवाब जो है सरकार को देना चाहिए, इसका जवाब जो है नीतीश जी को देना चाहिए। आपको मैं याद दिला दूं, मिलर हाई स्कूल में लास्ट टाइम इन्होंने ही ना बोला था, हमने तो नहीं बोला था कुछ, हाँ हम उस प्रोग्राम में भी नहीं थे, लेकिन उस समय जो भी लोग थे उन लोगों ने मंच पर से बोला था कि क्या कहते हैं, आनंद मोहन जी की रिहाई होनी चाहिए। तो आज क्या है कि इतने दिन हो गए हैं, हाँ, और अभी तक रिहाई के ऊपर सरकार चुप है, मौन रखी हुई है। हम लगातार सवाल करते रहते हैं, लगातार हम पूछते रहते हैं, लेकिन जवाब जो है वो सरकार के पास है और सरकार को जवाब देना होगा। हाँ, अन्यथा हम लोग, जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, हाँ, किसी भी सवाल से पे लड़ने के लिए हम लोग पीछे नहीं हटते हैं। हाँ, लगातार मेरे परदादा भी लड़े थे, मेरे दादा भी लड़े थे, हाँ, फ्रीडम फाइटर थे दोनों। मेरे पिताजी भी जो हैं जेपी सेनानी थे, हाँ, और हमें भी अगर अपने हिस्से का संघर्ष जिस तरीके से जहां पर भी ले जाएगा, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। क्या कोई आंदोलन आप लोग करिएगा रिहाई को लेकर सड़कों पर? लगातार ट्विटर पर फ्रेंड्स ऑफ आनंद में ये ट्रेंड किया जा रहा है कि अगले महीने जनवरी के महीने में कोई मार्च होगा इस तरीके का। जी हाँ, 29 जनवरी को हम लोगों का कार्यक्रम रखा हुआ है पटना में। हाँ, सभी लोगों से, अभी राजस्थान से भी बहुत लोगों का फ़ोन आया है, मध्य प्रदेश से भी लोग आएंगे, सब जगह से, पूरे भारत भर के लोग जो आनंद मोहन जी को बाहर देखना चाह रहे हैं, सब लोग आएंगे। क्या कार्यक्रम क्या है उस दिन? सिंह गर्जना रैली है, हाँ, और उसमें जो है आपको जैसा कि पता ही है कि महाराणा प्रताप जी की पुण्यतिथि है, हाँ, हम लोगों के स्वाभिमान के एक प्रतीक हैं, हाँ, और साथ ही साथ आनंद मोहन जी की रिहाई का सवाल है। लगता है कि सवाल, जब आप रैली करेंगे तो सवालों के जवाब मिलेंगे आपको? जवाब देना पड़ेगा, बहुत दिन हो गया, हम लोग के जितने भी लोग हैं आज देख रहे हैं, हाँ, और सरकार की तरफ देख रहे हैं कि ये सरकार कर क्या रही है। हाँ, आप आरोप लगा रहे हैं सरकार पर, लेकिन आप क्या रीड कर पा रहे हैं, ऐसी क्या मंशा रही होगी कि सजा पूरी हो गई फिर भी रिहाई नहीं दे पा रहे? इसका जवाब तो सरकार ही ना देगी, आखिर ऐसी क्या बात है। हाँ, सब जगह, हर एक जगह, हर एक स्टेट में जो है, हाँ, 14 साल जब हो जाते हैं तो उसके ऊपर समीक्षा बैठती है, यहाँ पर समीक्षा तक नहीं बैठी है। आगे का कार्रवाई तो छोड़िए, यहाँ पर समीक्षा तक नहीं बैठी है। पाँच महीने अतिरिक्त हो चुके हैं, हाँ, एक्स्ट्रा हो चुके हैं, तो इसका जवाब कौन देगा? घर में फैमिली वाले भी इंतजार कर रहे होंगे आनंद मोहन। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि आज तक एक पेरोल नहीं मिला। हाँ, मेरी दादी माँ जो 97 की हो गई हैं, उनका तबीयत जब ख़राब था, दो दो बार तबीयत ख़राब हो चुका है अभी तक, आप समझ सकते हैं क्या हम लोगों के ऊपर बीत रही है, दो बार उनका तबीयत ख़राब हो चुका है, हम लोगों को डर लगा रहता है कि, और चाहते हैं और इच्छा तो हम लोगों की यह है कि जब वो, मतलब मेरे पिताजी आएँ, तब जो है मेरी दादी माँ कम से कम उनको देख सकें, यही बात है। चलिए, ये थे आरजेडी के विधायक चेतन आनंद। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन।